हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। क्लास टेंथ का रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई बोर्ड का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं और उनको लगता है कि उन्होंने एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन रिप्रेजेंट किए थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स नहीं मिले हैं। तो ऐसे में वो सोच रहे हैं कि अपने क्वेश्चन पेपर को वो दोबारा से चेक कराएं ताकि जो उनके मार्क्स हैं वो बढ़ जाएं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि यानी किन स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स वेरीफाई करा के उनको रीचेक कराना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स ये प्रोसीजर फॉलो करें जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, वाकई में जो उनकी मार्किंग है वो गलत हुई होगी या फिर उनका पेपर बहुत अच्छा गया था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रीचेकिंग कराने पर कभी कभी मार्क्स बढ़ने की बजाय कम भी हो जाते हैं। तो अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, लगता है वाकई में कि आपके मार्क्स कम दिए गए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं चेक किया गया है, तभी आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो अगर आपको अपने आंसर्स चेक कराने हैं तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर है, यानी 3 स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपना मार्क्स को वेरीफाई कराने पड़ेंगे, यानी आपकी होगी टोटलिंग चेक। आपका जो पूरा पेपर है वो दोबारा से चेक किया जाएगा, यानी टोटल मार्क्स चेक किए जाएंगे कि क्या टोटल में कोई गड़बड़ तो नहीं है, जिसको बोलेंगे वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स के बाद आपको लगता है कि हाँ, सच में गलती हुई है, तो फिर आप फोटोकॉपी मंगा सकते हो, उसमें देख सकते हो कि किन किन क्वेश्चन में गलती हुई है। फोटोकॉपी वही स्टूडेंट्स मंगा सकते हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराया है, यानी जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया है वही स्टूडेंट्स अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगा सकते हैं। आपने जब फोटोकॉपी मंगा ली, फिर आप अप्लाई कर सकते हो थर्ड स्टेप के लिए, जो कि कहलाता है री इवेल्यूएशन ऑफ मार्क्स, जिसमें आपके जो आंसर शीट के क्वेश्चंस हैं वो दोबारा से चेक किए जाएंगे। यहाँ पर आपकी पूरी आंसर शीट चेक नहीं होंगी, सिर्फ वही क्वेश्चंस चेक होंगे जिनमें आपको डाउट है। यानी जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको आंसर्स के जो नंबर्स हैं, यानी क्वेश्चंस के जो नंबर हैं जिन्हें आप रीचेक कराना चाहते हो, वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो 3 स्टेप्स हैं ये, और आपको एक के बाद एक स्टेप फॉलो करने हैं। जो इसका जो प्राइस है, यानी इसका जो चार्जेस हैं, वो आपको लगेंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए लगेंगे आपके 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, और अगर आप फिर फोटो कॉपी मंगाना चाहते हो तो उसके भी 500 पर सब्जेक्ट लगेंगे। और फिर उसके बाद अगर आप री इवेल्यूएशन कराना चाहते हो तो री इवेल्यूएशन के लिए आपको लगेंगे 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, सिर्फ वही चेक कराना चाहते हो, तो 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आपको 3 क्वेश्चन में डाउट है तो फिर आपको 100 × 3, यानी 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो इनकी डेट्स क्या हैं, इनकी डेट्स आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर एक बार इनकी डेट निकल गई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हो तो जो वेरिफिकेशन की डेट है वो 10th मई, यानी आज से ही शुरू हो रही है शाम 5 बजे से, और ये होगी 14 मई तक। 500 पर सब्जेक्ट आपको देने हैं। जब आप वेरिफिकेशन करा लोगे तो जो दूसरा जो स्टेप होता है, जिसको हम बोलते हैं आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगाना, उसकी जो डेट है वो होगी 27 मई से, यानी मंडे से लेकर ट्यूसडे तक। एक ही दिन का टाइम मिलेगा आपको, मंडे टू ट्यूसडे। इसमें भी आपको 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर आप रीचेक कराना चाहते हो तो रीचेक कराने के लिए भी आपको एक दिन का टाइम मिलेगा, यानी 31 मई से 1 जून तक। एक दिन का इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये शाम से शुरू होकर अगले शाम तक हो जाएगा, यानी 24 आवर्स का टाइम इसमें दिया जाएगा, और इसमें आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन देने पड़ेंगे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से रीवैल्यूएशन कराया जाए, किस तरह से रीचेकिंग कराया जाएगा, कब होगा कब नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिला होगा, और काफ़ी हद तक आपके डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। तो इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।